एक वक्त तक ये रही सुज़ैन खान, फिर बनी सुपरस्टार ऋतिक रोशन की बीवी सुज़ैन रोशन, और फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि सुज़ैन खान की शादीशुदा जिंदगी में रोशन गायब हो गए। जी हाँ, तलाक हुआ। लेकिन सुज़ैन खान की जिंदगी पर थोड़ी सी नजर अभी हम डालते हैं। इनका जन्म हुआ 26 अक्टूबर सन 1976 शहर मुंबई। इनके पिता जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय खान और माँ जरीन खान। इनके भाई साहब हैं जायद खान और इनकी दो बहनें भी हैं। मिसेस ऋतिक रोशन होने के अलावा भी इन्होंने अपनी एक जिंदगी बनाई है। इनकी माँ जरीन खान ने इन्हें समझा दिया था कि देखो बेटा, अगर शादीशुदा जिंदगी में वाकई खुशी रखनी है तो एक काम जरूर करना कि अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना के रखना। इसी वजह से सुज़ैन खान को भेजा गया था कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जाने से पहले इनकी जान पहचान ऋतिक रोशन के साथ बढ़ गई थी, पर तब तक ऋतिक रोशन ना स्टार बने थे और ना ही एक्टर। ब्रूक्स कॉलेज कैलिफोर्निया में जाकर इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली, फिर बनी ये इंटीरियर डिजाइनर। इन्हें आज भी अच्छी तरह से याद है कि कैसे ऋतिक रोशन बचपन में अपनी बाइक पर कुछ इस तरह के स्टंट्स करते कि लड़कियां बड़ी इंप्रेस होती थीं। इससे पहले सुज़ैन खान का इंटीरियर डिजाइनर का बिजनेस आगे बढ़ता, प्यार ने इन्हें पकड़ लिया। ऋतिक रोशन और सुज़ैन खान मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल पर मिले। अपनी अपनी गाड़ियों में ये बैठे थे, एक दूसरे को निहारते इस अंदाज में कि लगे ना कि एक दूसरे को देख रहे हैं। और तब कुन्नू यानी कि कुणाल कपूर, जो आगे जाकर एक्टर बना, अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन का दामाद, उसने ऋतिक से बोला, यार ये सुज़ैन बोल रही थी कि उसने तुझे देखा ट्रैफिक सिग्नल पे। ऋतिक ने बोला, अरे मैं भी तुझे यही बताने वाला था कि मैंने सुज़ैन को देखा। बस साहब, फिर तो इन दोनों का रोमांस परवान चढ़ने लगा। पहली डेट पर गए और ऋतिक रोशन शर्मा रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, और उस डेट पे जो बिल आया उसके पैसे सुज़ैन खान ने दिए। और उसके बाद कॉफी शॉप में बैठे बैठे एक टिश्यू पेपर पर ऋतिक रोशन ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में इतना लिखा था कि आओ मेरे साथ जिंदगी बिताओ, और सुज़ैन खान ने वही किया। ऐसा लग रहा था कि ये दोस्ती, प्यार, मोहब्बत शादी में तब्दील हो जाने के बाद जन्म जन्म का रिश्ता बनकर उभर कर आएगी। कुछ ऐसा हुआ भी। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, रेयान और रिधान। ऋतिक रोशन का स्टारडम बढ़ता ही गया, और फिर वो मोड़ आया जहां पता चला कि सुज़ैन अब रोशन नहीं खान ही बने रहना चाहती हैं। ऋतिक रोशन और सुज़ैन खान ने फिर तलाक ले लिया, और उसके बाद सुज़ैन खान ने अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का काम और आगे बढ़ाया। नहायत ही खूबसूरत, बड़े ही आत्मविश्वासी ये लड़की अपने पति का घर छोड़ बाहर निकली और अपना एक अलग मकाम हासिल करने की कोशिश की। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।